आपका कोई भी विचार आपका नहीं है आपके कोई भी विचार वाकई आपके नहीं है कृपया ये समझिए विचार वो चीज है जिसे आप बाहर से जमा की गई जानकारी के आधार पर पैदा करते हैं हर तरह की चीजें आप तक पहुंच रही हैं जिस तरह से आप अभी सोच रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे परिवार में पैदा हुए थे आपके माता पिता कैसे थे आपकी शिक्षा कैसी थी समाज कैसा था सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी क्या ये सभी चीजें नहीं तय कर रही कि आप कैसे सोचते हैं हाँ या ना बिल्कुल है ना तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपका विचार है हर तरह के लोगों ने इस पर असर डाला है क्या कोई मुझ में विचार डाल सकता है बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता है अगर आप यह पूछ रहे हैं कि कोई जानबूझकर आप में विचार डालने की कोशिश कर रहा है क्या यह संभव है बिल्कुल संभव है लेकिन आप ऐसा सोचना मत शुरू कीजिए क्योंकि हर बार जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी ने यह मेरे मन में डाल दिया अगर आप किसी को उसे अपने मन में डालने देंगे तब भी ये आपकी करनी है है ना? हां आप किसी को अपने मन में विचार डालने दे रहे हैं वो भी आपकी करनी है है ना? अरे किसी ने मेरे दिमाग में विचार डाल दिया इसमें मैं क्या कर सकता हूं लोग ऐसा कर रहे हैं ये हर जगह फैशन बन गया है ये भारत में हुआ करता था जब भारतीय बहुत समृद्ध हो गए कई पीढ़ियों पहले और वो स्वाभाविक रूप से आलसी हो गए वो कहने लगे भगवान की इच्छा आप उनसे कुछ भी पूछिए वो कहेंगे भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा होगी तो मैं उठूंगा कौन जानता है कि भगवान की इच्छा कब होगी अगर मैं कुछ करता हूं भगवान की इच्छा थी अगर मैं नहीं करता भगवान की इच्छा नहीं थी यह एक भयंकर धोखा है लेकिन यह दुनिया में चले जा रहा है हर चीज जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो हर हाल में करेंगे अगर आप कुछ मांगेंगे तो वो कहेंगे भगवान की इच्छा हाँ क्या वो कभी ये कहेंगे भगवान की इच्छा हुई तो मैं रात में खाना खाऊंगा नहीं वो खाएंगे अगर आप पूछें कि क्या मैं खा सकता हूं वो कहेंगे भगवान की इच्छा तो क्या हम विचार डाल सकते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं वास्तव में हम आपके अंदर पूरी फिलॉसफी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो सिर्फ एक विचार ही क्यों सीरीज सीरीज ऑफ ऑफ थॉट थॉट कॉम्प्लेक्स वी कैन विचारों की एक श्रृंखला विचारों की एक पूरी जटिल श्रृंखला हम आपके दिमाग में डाल सकते हैं लेकिन विचार डालने के अलग अलग तरीके हैं इसे छुपकर करने के तरीके हैं इसे करने के सीधे तरीके हैं इसे करने के अलग तरीके भी हैं जिनमें विचार नहीं डाले जाते आपको एक खास तरीके से सोचने की दिशा में ले जाया जाता है शुद्ध रूप से आपकी खुशहाली के लिए ऐसा करने की जरूरत है वरना आप बस खुद को हर जगह बिखेर कर अपना जीवन बिना किसी उद्देश्य के बिता देंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे इसे छुपकर करने के तरीकों में कई तरह की गोपनीय कलाएं शामिल हैं जिनके द्वारा वो आपके दिमाग में उल्टे विचार डालते हैं जिनसे आप अपनी बर्बादी की दिशा में काम करते हैं इसे करने के सीधे तरीके स्कूल के शिक्षकों जैसे हैं वो आपको लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं ये अच्छा है ये अच्छा है ये अच्छा है या फिर मार्केटिंग मैनेजर का तरीका कोका कोला यही असली चीज है यही असली चीज है फिर आप भी कहेंगे यही असली चीज है अगर मैं कहूं असली चीज तो आप कहेंगे कोक ये हर कहीं लिखा है पूरी दुनिया में असली चीज तो यह बस दोहराने से होता है यह सीधा है अगर आप चाहें तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं पहले तरीके में अगर आप किसी तरह से असुरक्षित हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है यह हर हाल में आपके जीवन में घुसेगा इसे करने का आखिरी तरीका तभी काम करेगा जब आप इच्छुक हो आप में खुलापन और ग्रहणशीलता हो वरना जो इंसान आप में उस तरीके के विचार डालने का काम करता है वो ऐसी चीजें करने में रुचि ही नहीं लेगा सिर्फ तभी जब आप इच्छुक हैं खुलापन रखते हैं और एक विशेष दिशा में जाना चाहते हैं लेकिन आप में किसी ऐसी चीज को थामे रखने के लिए जरूरी दृढ़ता ना हो जो आपके लिए जरूरी है तब आप में एक विचार एक अलग तरीके से डाला जा सकता है तो अगर आप अपने अंदर नकारात्मक विचार डाले जाने की बात कर रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि कोई सरल ध्यान करें जिसे आपका सिस्टम इस तरह से व्यवस्थित हो जाए कि ऐसी चीजें आपको प्रभावित ही ना करें या आप अपने साथ कोई ऐसी चीज रखें जिससे आपके आसपास ऊर्जाओं का एक कवच तैयार हो जाए जिससे ऐसी चीजें प्रभाव ना डाल सकें कई तरीके हैं किसी दूसरे व्यक्ति को आपके विचारों पर प्रभाव डालने से रोकने के तो मुझे भी आप में एक विचार डालने में रुचि है एक विचार से कहीं ज्यादा कुछ मैं आप में एक विस्फोटक डाल सकता हूं अगर आप चाहें तो एक बम नहीं एक विस्फोटक क्या आप जानते हैं कि दोनों में फर्क है बम पूरी तरह से विनाश लाता है विस्फोटक का कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप चाहें तो मैं एक विस्फोटक डाल सकता हूं सिर्फ एक विचार क्यों अगर आप बस बैठे तो बूम वो फट जाएगा मैं परमानंद का एक विस्फोट डाल सकता हूं अगर आप चाहें तो अगर आप बस अपनी आंखें बंद करें ऐसे कई लोग हैं अगर वो बस अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखें घूम जाती हैं सिर्फ एक विचार क्यों विचार एक बुनियादी चीज है बिल्कुल सतह की चीज है हम आप में ऊर्जा डाल सकते हैं इस तरह से कि वो आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगी आप चाहे कहीं भी हो आप चाहे जो भी हो विचारों से बेहतर तकनीकें मौजूद हैं